हमारे साथ स्वामी नंद किशोर जी मौजूद हैं, बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। स्वामी नंद किशोर जी मौजूद हैं हमारे साथ, श्वेत जमई मौजूद है हमारे साथ, वारिस पठान मौजूद है, सबको शामिल करते हैं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी नंद किशोर जी, हिंदू राष्ट्र की जब बात कर रहे हैं तो ये कहना है शलभमणि त्रिपाठी का कि उसकी उसके बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो अलग तरह की बात है, ये सिर्फ संस्कृति की बात हो रही है, संविधान में किसी तरह के बदलाव की बात नहीं कर रहे, यानी देश जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सांस्कृतिक रूप से अगर देश को एक करना है, एक धागे में पिरोना है, तो उसके लिए कौन रोक रहा है? फिर इतना अग्रेसिव होकर एक राष्ट्र हम बनाएंगे, किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, कैसे बाकी लोगों को अलग किया जाए, अलग ये सारी चर्चा फिर कहाँ से शुरू होती है? 1946-47 में जो राष्ट्र का विभाजन हुआ तो उस समय एक नारा लगता था, लड़कर लिया पाकिस्तान और हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन का निरंतर प्रक्रिया चल रहा है, और जो भारत का संविधान कहते हैं कि इसका आज्ञा नहीं देता है, तो संविधान के अनुच्छेद 15 पर, कैमरा इधर कीजिए, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह क्यों हैं, यहाँ पर कृष्ण जो हैं कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ, गुरुकुल परंपरा इत्यादि क्यों है, इस प्रश्न का जवाब चाहिए। और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जिस रोज सावरकर के चिंतन के मुताबिक राजनीति का हिंदूकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण हो जाएगा, उसी दिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, संघ है शक्ति कलयुगे। उस समय जब देश संपूर्ण राष्ट्र एक था तो वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर पाकिस्तान का नारा लगता था, ठीक है। और उस समय लाहौर में देवता स्वरूप भाई परमानंद का शव यात्रा निकाला जाता था, लोगों ने आकर कहा भाई जी आपकी शव यात्रा निकाली जा रही है, बोले कि मेरी शव यात्रा तो निकलेगी लेकिन यह शव यात्रा हिंदुओं का है, यह अप्रत्यक्ष प्रमाण है कि 1.5 करोड़ लोग उजाड़े गए, 10 लाख लोग काटे गए, ठीक है। इसी 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 बात को जो आप कह रहे हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। संजीव उनियाल जी, क्या यही है विजन जो कह रहे हैं स्वामी नंद किशोर जी कि हिंदुओं का एकीकरण हो, सैनिकीकरण हो, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या इस तरह के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं नहीं, संविधान में एक मिनट, संविधान में लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जिस रोज संगठित हो जाएंगे उसी दिन हो जाएगा। और हिंदुत्व का तात्पर्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और विकास यह हिंदुत्व का एजेंडा है, सभी को भाई, केरल में लेकिन आप हिंदू राजा में, लेकिन आप एकीकरण और सैनिकीकरण की भी बात कर रहे हैं, एक होने के साथ साथ उनका सैनिकीकरण भी होगा, तो फिर वो किस तरह की कल्पना है? संजीव उनियाल जी, सुमेरा, मैं महात्मा जी से, पूजने महात्मा जी से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो फैसलों में लगातार, जी हाँ, जो लेटेस्ट फैसला है उसमें भी बताया है कि हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जी हाँ, वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, सांस्कृतिक अपने आप में उपहास, अपने सांस्कृतिक तरीके से मनाने को, त्योहारों को, रहने को, खाने को, घूमने को, विचरण को, इन सबको मिला के, इन टोटेलिटी, आपस में एक दूसरे से व्यवहार करने से रह के, ये सारा हिंदुइज्म जो है वे ऑफ लाइफ है। तो हिंदू अगर कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, तो अगर वो मुस्लिम भाई उसी तरीके से रहता है और सारे त्योहारों को मनाता है, हम एक खास भाषा में आपस से बात करते हैं, हम अभी भी आप कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम से पहले आपस में एक दूसरे से नमस्कार करते हैं, मुझे लगता है कि वो जो सारा प्रकरण है, सारी जाति पंथों को लेकर, अगर वो वे ऑफ लाइफ उसमें से निकाल लेते हैं या उसका निचोड़ निकाल लेते हैं तो वो हिंदुइज्म है। लेकिन संजीव उनियाल जी, आप मुझे बताइए कि वे ऑफ लाइफ भी आप थोप नहीं सकते ना लोकतंत्र में, लोकतंत्र है ना, इसीलिए कह रहा हूं, आप जिस वे ऑफ लाइफ को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि देश में हर कोई उसी वे ऑफ लाइफ को अपनाना चाहे। सुप्रीम कोर्ट की कोटेशन है सुमेरा, ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मैंने पहले ही बोला, हिंदुइज्म को कहा कि वे ऑफ लाइफ है, उन्होंने 1995 में कहा, उन्होंने दोबारा जब सुनाई कि उसमें भी उन्होंने कहा कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ,
दैट इज एक्सेप्टेबल, मे बी टू अ लार्जर ऑडियंस, मे बी टू द लार्जर पब्लिक इट इज एक्सेप्टेबल, देश की बड़ी जनसंख्या को ये एक्सेप्टेबल हो, और है भी शायद सबकी ज्यादातर वे ऑफ लाइफ वही है, लेकिन फिर भी आखिरकार तो वही है ना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी में कह रहे हैं, दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द मोस्ट ब्यूटिफुल डेमोक्रेसी, सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है, सबसे शक्तिशाली, तो उसमें हम वे ऑफ लाइफ भी थोप नहीं सकते ना? नहीं, वे ऑफ लाइफ थोप सकती है ना सुमेरा, वे ऑफ लाइफ जो मैंने बोला, एक साथ रहना, एक साथ चलना, त्योहार मनाना, एक दूसरे के फंक्शन, लेकिन हर देश में एक अल्पसंख्यक, एक आत्मा है इस देश की, लेकिन क्या श्वेब जमाई क्या हर देश में एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं होगा? तो क्या वे ऑफ लाइफ सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो संजीव उलियान जी कह रहे हैं कि हमें लार्जर पब्लिक के लिए ये मानना चाहिए कि वे ऑफ लाइफ भारतीय संस्कृति है और उसके तहत हमें चलना चाहिए? देखिए सुमेरा जी, वे ऑफ लाइफ तो इस्लाम भी है, जो इस्लाम धर्मावलंबी पूरे दुनिया में 250 करोड़ तादाद हैं जिनकी, वो भी इस्लाम को वे ऑफ लाइफ मानते हैं, आप भी मानती होंगी, मैं भी मानता हूँगा, साजिद रशीदी भी मानते हैं, तो हम भी अपने अपने पंथ, अपने मजहब को वे ऑफ लाइफ ही मानते हैं, हम उसको सिर्फ कोट किया है मैंने, ठीक है, वो मैं आपकी बातों का भी सम्मान करता हूँ, हिंदुइज्म भी, सनातन भी वे ऑफ लाइफ है, जिसको बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं, और हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसको मानने वाले, मेरे लिए या दुनिया के 250 करोड़ लोगों के लिए इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, ये भी आपको सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, और वो भी एक पंथ है, वो एक भी एक वे ऑफ लाइफ है जी। और वो भी आदि अनादि काल से पूरे संसार में पहुंच गए, ठीक है, मैं उस पे आ रहा हूँ अभी, आपने कहा तो मैं कुछ टोक नहीं रहा था, अब आप भी शालीनता से सुन लिया, आप आरएसएस की तरफ से, अरे तो संस्कृति का परिचय दीजिए, आप पर्सनल उसकी बजाय आप विषय पर, अरे आप परिचय दीजिए थोड़ा सा, आप सहिष्णुता परिचय क्या दे रहा है, परिचय मैंने दे दिया, परिचय मैंने दिया था, परिचय मैंने बताया था, सहिष्णुता का परिचय दीजिए, आप नहीं समझ रहे, वो श्वेब साहब हमारे साथ वारिस पठान भी हैं, मुद्दे पर आइए, देखिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आरएसएस के हमारे विचारक, उन्होंने इस बात को माना कि भाई हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही, लेकिन गंभीर चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होगा जब हिंदू एकीकरण हो जाएगा, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है देश के दलितों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए और तमाम विभिन्न जाति वर्ग में बटे हुए लोगों के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी आप ऐसा अगर करेंगे तो ये कोई राष्ट्र की अवधारणा, ये गांधी की अवधारणा नहीं थी, ये भगत सिंह या फिर यहाँ से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अवधारणा थी, नेताजी ने खुद कहा कि ये देश कभी भी एक धर्म के बुनियाद पर कोई राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि ये विविधताओं का देश, अभी हाल ही में हमारे देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि एक देश क्या एक भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि इतनी विविधता है। सवाल ये उठता है कि आज की जो परंपरा है, आज की जो भारतीय परिदृश्य है, जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या संवैधानिक व्यवस्था है, इससे दिक्कत किसको है? जो लोग इसके खिलाफ हैं वो देश विरोधी कार्य ही तो कर रहे हैं, चाहे बाबा हो या मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, मुझे पता है बागेश्वर बाबा जी कांग्रेस के द्वारा ही उनको प्रायोजित किया गया और छतरपुर में उनकी जो धाम है उनमें कांग्रेस के नेताओं का ही सब कुछ लगा है, वो हमें भी पता है, ये सब एक राजनीतिक तौर पर एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा के बाद ये सब मुद्दा अगर उठाया जा रहा है राजनीतिक है, उनको इनको बयान को नहीं यहाँ से ध्यान देता हिंदू राष्ट्र, मैं हिंदू महासभा के बयान को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ी पुरानी संस्था है, बागेश्वर तो अभी आए हैं नए, लेकिन उनकी बात को तो आप अहमियत देते हैं।